गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टू व्हाट आई विल टीच टुडे। टुडे आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट लेवल 11 12। टॉपिक केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? हम ये ध्यान देते हैं कि रासायनिक बंध क्या है और तत्वों को, एलिमेंट को केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तत्वों को रासायनिक बंध की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इस पर ध्यान देना है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित भिन्न भिन्न परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित भिन्न भिन्न परमाणु जिस बल के द्वारा बंधे रहते हैं, उस बल को हम कहते हैं रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड। डिफरेंट एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड बॉन्डेड बाय ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? तो केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन डिफरेंट एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध कहते हैं। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात पर जो है कि ध्यान देंगे कि केमिकल बॉन्ड क्यों कंपाउंड एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। एवरी एलिमेंट ट्राई टू स्टेबिलिटी इन दिस एफर्ट, इट ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट। प्रत्येक तत्व अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन धारण करने के लिए, अक्रिय गैसों की संरचना प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, कोशिश करता है। क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। फॉर दिस पर्पज एलिमेंट ट्राई टू ट्रांसफर आर शेयर इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर एंड फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। फॉर दिस पर्पज देर आर टू टाइप ऑफ मैनर यूज बिटवीन एटम्स, इस जो है कि कार्य के लिए, किस कार्य के लिए? तो आउटर मोस्ट सेल में बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए तत्व एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर या साझेदारी करते हैं। इसके लिए दो विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें फर्स्ट विधि है आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फर्स्ट। और सेकेंड, तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं, शेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो एक ये तरीका हो जाता है। तो इस तरह से रासायनिक बंध बनते हैं। अब रासायनिक बंध का जो बनना होता है, द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड टू पैटर्न होता है परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध। कौन कौन से ऐसे बॉन्ड है जो कि एटम्स के बीच बनते हैं? बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स। एंड सेकेंड, अणुओं के मध्य बनने वाले बंध, बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो टू टाइप के हमें स्टडी करने हैं, एटम्स के
मध्य बनने वाले बंध और अणुओं के मध्य बनने वाले बंध, किसके, परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध और अणुओं के मध्य बनने वाले बंध। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करते हैं बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स, तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स। परमाणुओं के बीच चार प्रकार के बंध बनते हैं। पहला है आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसंयोजक बंध एंड धात्विक बंध। कौन कौन सा, फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड, सेकेंड कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड फोर्थ मेटालिक बॉन्ड। फोर टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स, जस्ट लाइक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन कौन से बंध बनते हैं अणुओं के बीच में, तो इसमें है फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सेकेंड वांडरवाल फोर्स टू, फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड सेकेंड वांडरवाल फोर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अटेंड योर अटेंशन फॉर आयनिक बंध, किस पर हम करेंगे तो अपना अटेंशन रखते हैं आयनिक बंध। व्हाट इज आयनिक बंध, हम आयनिक बंध पर अपना जो है कि अटेंशन करते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एलिमेंट बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से जो बंध बनता है दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। किसे कहते हैं, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। इन दिस बॉन्ड वन एटम हैज कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड अदर एटम हैज कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। द एटम्स व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन आर लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड द एटम व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्म नेगेटिव आयन, दस फॉर्म टू अपोजिटली चार्ज आयन्स अट्रैक्ट टू ईच अदर बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। कहने का मतलब यह है कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं, जिसमें एक परमाणु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागने का और दूसरे परमाणु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धन आवेश आ जाता है और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है और इस प्रकार दो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से आकर्षित होकर के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंध जाते हैं उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। कैसे कहते हैं, दो परमाणु में से एक परमाणु का गुण क्या हो, इलेक्ट्रॉन को त्यागने का, वो त्याग करके धन आयन बनाएगा। दूसरे का गुण क्या हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाएगा और इस प्रकार से बने हुए दो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और स्थिर वैद्युत बल के द्वारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के द्वारा बॉन्डेड हो जाते हैं। दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड के किस किस कंपाउंड में होता है तो हम ध्यान देते हैं, तो फॉर एग्जांपल में फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड
NaCl का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है? तो आयनिक बॉन्ड के द्वारा। तो इसको हम देखते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम एटम लेते हैं जिसका नंबर 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका तो 281, जबकि क्लोरीन एटम 17 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287। अब सोडियम को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आउटर मोस्ट सेल में जो है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 गेन करेगा तब जो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है। इसलिए वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है, और पॉजिटिव आयन बना लेता है। जबकि क्लोराइड क्लोरीन को 287, आउटर मोस्ट सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपने जो है कि इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है। और इस प्रकार से जो है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो पहले ये देख लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे कि Na इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, ठीक है, और इसमें यहाँ पर क्लोरीन, इसमें हम इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। जब ट्रांसफ़र कर देता है तो क्या कंडीशन होती है आगे देखते हैं हम लोग। तो ये फॉर्म करता है Na प्लस, कितने इसमें बच जाएंगे, तो एक ट्रांसफ़र कर दिया तो 2 बचते हैं, कितने बचते हैं तो 2 and 8, क्लियर। उसके बाद अब ये क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो क्लोरीन में 2 2 2 6, और इसका वो और एक इलेक्ट्रॉन जो है कि ये सोडियम वाला यहाँ पर क्रॉस वाला ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि ये माइनस चार्ज वाला हो जाता है, ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर आपका 288 हो जाता है। और Na प्लस Cl माइनस, और हम लिख सकते हैं क्या बना देगा, NaCl। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड, ठीक ना, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है ये अणु का। इसी प्रकार से हम एक और कंपाउंड का देखते हैं, किसका भाई, तो MgCl2 का बनना। MgCl2 कैसे फॉर्म होता है भाई? तो MgCl2 के बनने में हम गौर करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो Mg इसमें मैग्नीशियम मॉलिक्यूल्स 282, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम क्रॉस से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल्स अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इसमें 2 2 2 7। फिर दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के प्रेजेंट रहता है, तो जिसमें कि 2 2 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है कि अपना इसमें 287 ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक इसको पुश कर देता है, ठीक है, और एक इसको पुश कर देता है, ठीक है। अब होता क्या है, तो Mg 2+ आयन में
कन्वर्ट हो जाता है और इसका कितना बढ़ जाता है 2H, और इसमें जो क्लोरीन मालिकुल्स है वो Mg से एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर आपका क्लोरीन माइनस, फिर यहाँ पर भी क्लोरीन माइनस। अब होता कैसे है तो 2 और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये लिया हुआ है आपका, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। टू, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका, और इस प्रकार से ये बनता है Mg 2+ + 2Cl- या MgCl2। तो MgCl2 का प्रिपरेशन इस प्रकार हो जाता है। तो ये हो गया MgCl2 का बनना, और इधर हो गया आपका किसका बनना, तो सोडियम क्लोराइड का बनना। सोडियम में देख रहे हैं 11 है, आउटरमोस्ट में 1 है, ये एक लूज कर देगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा, लूज करेगा तो क्या बनेगा, ये Na+ आयन, और क्लोरीन एक एक्सेप्ट कर लेगा तो या क्या बन जाएगा, तो ये क्लोरीन में आपका नेगेटिव आयन, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं। तो इसके कितने बच जाएंगे, 2H लूज कर दिया है, और इसे कितने जाएंगे 2H8, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, ये फॉर्म हो जाते हैं, और इस पर बनता है NaCl। तो ये सोडियम क्लोराइड बढ़ जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बढ़ता है, ये आयनिक बॉन्ड है, ठीक है ना। अब आयनिक बॉन्ड किसमें बनता है भाई, तो द कंपाउंड व्हिच इज बॉन्डेड बाई आयनिक बॉन्ड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। तो देयर आर सम इम्पॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंडों के कुछ महत्वपूर्ण गुण होता है, क्या होता है भाई, तो फर्स्ट, आयनिक कंपाउंड इज मेड बाई आयन्स नॉट बाई मॉलिक्यूल्स। आयनिक यौगिक आयनों से बने होते हैं, अणुओं से नहीं बने होते हैं। फर्स्ट, आयनिक कंपाउंड इज मेड बाई आयन्स नॉट बाई मॉलिक्यूल्स। आयनिक कंपाउंड आयनों से बने होते हैं, अणुओं से बने नहीं होते, फर्स्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड का, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी हाई। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी हाई बिकॉज इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू ब्रेक अप द लैटिस क्रिस्टल। लैटिस को ब्रेकअप करने के लिए इसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आयनिक यौगिकों के क्वथनांक व गलनांक ऊंच होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके क्रिस्टल जालों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज वेरी हाई बिकॉज देयर इज मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप द लैटिस साइट। क्रिस्टल लैटिस को ब्रेकअप करने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट बट नॉट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक यौगिक ध्रुवीय यौगिकों में घुलनशील होता है जबकि अध्रुवीय यौगिकों में अघुलनशील होता है। ध्रुवीय यौगिकों में घुलनशील होता है और अध्रुवीय यौगिकों में अघुलनशील होता है, ठीक। अगला नेक्स्ट नंबर है कि जल में घोलने पर आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयनों में शीघ्रता से टूट जाते हैं क्योंकि जल का पैरा वैद्युतांक अधिक होता है और जल ध्रुवीय यौगिक है। तो आयनिक कंपाउंड इज फास्टली ब्रेकअप इनटू अपोजिट आयन व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ
water is very high. Next, any compound में विद्युत धारा तथा उष्मा का अच्छे कुचालक सुचालक होते हैं। गलित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत धारा के अच्छे सुचालक होते हैं। विकास गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में आयनिक यौगिक विलयन में अपोजिट आयन विपरीत आयन उपस्थित रहते हैं, जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर करंट आसानी से फ्लो होती है। ठीक, इन मोल्टेन स्टेट और डिजॉल्व कंडीशन द सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन मोल्टेन स्टेट और डिजॉल्व स्टेट द आयनिक कंपाउंड सोल्यूशंस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक यौगिकों के बंध अदिशात्मक होते हैं, इसलिए इसकी कोई ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। ध्यान देने की बात है, क्या कर रहा है, कह रहा है कि आयनिक यौगिकों के बंध अदिशात्मक होते हैं, इसलिए इसकी कोई ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। देयर इज नो ज्योमेट्रिकल शेप स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड बिकॉज द आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्शन लेस। देयर इज नो ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ आयनिक कंपाउंड बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्शन लेस। तो ये हो गया आयनिक यौगिकों के लक्षण और आयनिक बंध क्या है। ये एग्जाम्पल जो है कि आप लोगों को दे दिया गया है, इसको थरोली स्टडी कीजिए, ठीक है ना। और ये आपको पसंद हो, समझ में आ रहा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और हम अधिक से अधिक जो भी मटेरियल डालें आपको सीरियल वाइज मिलता रहे, ठीक है। और शेयर कर दीजिए, आपके मित्र दोस्त जो भी हो उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई चैनल माँ शारदे के नाम पर।